अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हियर आई एम विद माय फोर्थ वीडियो ऑफ द बायो लेक्चर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ज़्यादातर लॉन्ग आते हैं। इसके थ्री पार्ट्स हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स तीनों लॉन्ग आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को ये तीनों टॉपिक्स लॉन्ग के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करवाऊँगी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हाइड्रोफाइट्स है क्या। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, यानी कि बिल्कुल फ्रेश एनवायरनमेंट होना चाहिए और साफ़ पानी होना चाहिए। ये उस एनवायरनमेंट में रहते हैं, इनके अंदर पानी की कोई भी कमी पेश नहीं आती। इनके पास कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं और स्पेशल स्टोमेटा होता है इनके अपर सर्फेस के ऊपर, जिसके थ्रू वाटर रिलीव करते हैं। और इसके बाद इनका अपेयरेंस कैसे, इसकी जो लीव्स है बहुत ज़्यादा थिक और ब्रॉड है, जिसकी वजह से इसके ऊपर ढेर सारे स्टोमेटा प्रेजेंट है और ये आराम से एक्स्ट्रा वाटर जो अपने ऊपर से रिमूव कर सकते हैं थ्रू इट्स अपर सर्फेस। इस वजह से ये प्लांट्स जो है ना बहुत ज़्यादा वेल नोन है। और इनकी एग्जांपल में वाटर लिली का आपने सुना होगा, ये इसकी एग्जांपल है। अब मैं आपको रीडिंग से एक्सप्लेन करती हूँ कि इस लाइन्स का क्या मतलब है। हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स विच लिव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज इन फ्रेश वाटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोफाइट्स फ्रेश वाटर में रहते हैं। सच प्लांट्स डू नॉट फेस प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज, इनमें कोई भी पानी की कमी पेश नहीं आती। दे हैव डेवलप्ड मैकेनिज्म्स फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स। इनके पास क्या होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं जिसके थ्रू ये अपने अंदर से पानी एक्स्ट्रा वाटर रिमूव कर देते हैं। हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स विद लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सर्फेस। इनकी लीव्स जो है वो ब्रॉड होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इनके अपर सर्फेस के ऊपर प्रेजेंट है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प देम टू रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। इनका ये कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये एक्स्ट्रा वाटर अपने अंदर से रिमूव कर देते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स इज वाटर लिली। इनकी एग्जाम्पल क्या है, वाटर लिली। अब आई होप आपको मेरा लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपको इनके बारे में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ आपको कुछ क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगी। और आप मेरे लेक्चर जल्दी जल्दी लें, क्योंकि आपको पता है कि टेंथ का टाइम बहुत शॉर्ट होता है और आप लोगों के पेपर्स बहुत ज़्यादा जल्दी लें, इसलिए मेरा लेक्चर धड़ा धड़ा लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।